The next question comes from the heart of India, the state of Madhya Pradesh. Prajakta Atankar, a student of class 9 of Kendriya Vidyalaya Ganganagar Garha, Jabalpur, joins us to ask her question. Could we have the question, please? My name is Prajakta Atankar from Kendriya Vidyalaya Garha, Jabalpur, MP. My question to Honorable Prime Minister. The balance between co-curricular activities and study is very important, but these activities restrict the children. Is it so? Mantri ji, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है. Government Girls Senior Secondary School number 2, दिल्ली की कक्षा 9वीं की छात्रा रिया नेगी अपने मन में उठने वाले प्रश्न का समाधान चाहती हैं. रिया सभागार में बैठी हैं. रिया, कृपया अपना प्रश्न पूछें. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं रिया नेगी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ. मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में पढ़ती हूँ. मैं दिल्ली से हूँ और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं मगर अन्य क्षेत्रों जैसे खेल कूद, संगीत इत्यादि में अच्छे होते हैं, वह अब उनका भविष्य क्या होगा, इस पर अपनी राय दीजिए. धन्यवाद रिया. महोदय, एक और भी प्रश्न इसी से मिलता जुलता है. अ रेसिडेंट ऑफ हुगली कोलकाता, द लैंड ऑफ ग्रेट सेंट विवेकानंद एंड नोबल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, अनामिका भुनिया ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज हियर विद अस इन द ऑडियंस टू आस्क हर क्वेश्चन. अनामिका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम अनामिका भुनिया स्टडिंग इन क्लास 11 साइंस. I am from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Hooghly, West Bengal. My question is, how can we make a balance between our extracurricular activities and academic activities? Sir, please give us some suggestions. Thank you. Thank you, Anamika. Manyavar, Prajakta, Riya and Anamika are utsuk hain yah janne ko ki paathya sahagami kriyaon वह पढ़ाई के बीच सामंजस्य या बैलेंस कैसे स्थापित करें. अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता हूं या करती हूं तो मेरी पढ़ाई में नुकसान होता है, ऐसे मानने वाले कितने हैं? कोई नहीं है. अच्छा, जो मानते हैं मेरे लिए पढ़ाई का महत्व है लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, ऐसा मानने वाले कितने हैं? अच्छा, उसमें भी थोड़ा उत्साह कम है. अच्छा, तीसरा सवाल, जो ये मानते हैं हाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए और जो समय दे करके रेगुलरली करते भी हैं, ऐसे कौन कौन है? चलिए, ये स्थिति हमें बदलनी है. देखिए, आखिरकार हम जो शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक प्रकार से बहुत बड़ी दुनिया के दरवाजे खोलने का रास्ता होती है. उसी से दुनिया में हम प्रवेश करते हैं. जब बालक अल्फाबेट सीखता है ए या क, उसका मतलब कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है. पहले अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद दो दो अक्षरों का शब्द सीखेगा, फिर तीन अक्षर वाला शब्द सीखेगा, फिर दो दो शब्दों को सीखेगा. शुरू तो किया था क से, लेकिन करते 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 वो कहाँ पहुंच गया? क्योंकि वो एक एंट्रेंस पॉइंट था. हमारी पूरी शिक्षा जो है वो हमें कुछ करने, जानने के लिए एक अवसर देती है. उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना होता है. कोई अगर सारे गम पधनी सा ये बहुत परफेक्ट कर ले,
यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो म्यूजिक की दुनिया के लोग हैं वो भी उसकी वाहवाही करें, वैसा ही सारे गम पधनी सा। लेकिन वो वहीं रुक जाए तो वो संगीत की दुनिया में कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सारे गम पधनी सा संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का एक एंट्रेंस पॉइंट है। उसको आत्मसात करने के बाद संगीत की सारी विधाओं में उसको जाने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने तो शिक्षा ले ली, सारे गम पधनी सा आ गया, अब मुझे संगीत आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं, तो होगा क्या? मतलब एक्चुअली जो हम सीखते हैं इसको डेली कसौटी पर कसना चाहिए, डेली। और टीचर जो क्वेश्चन आंसर करे उसकी कसौटी पे नहीं, जिंदगी की कसौटी पे कसना चाहिए। अगर मैंने क्लास में मुझे पढ़ाया गया कि भाई कम बोलने से फायदा होता है, तो फिर कभी कोशिश करनी चाहिए कि जब माँ बाप बहुत डांट रहे हैं, कुछ गलती करके आए हैं, तो ट्रायल करना चाहिए, वो जो कम बोलने वाला कहा था यहाँ काम आएगा क्या? अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते हैं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां एक्टिविटी उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी आने बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाऊं तो रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है। और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि हमने जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बदल, लेकिन एक नई बुराई इन दिनों प्रवेश कर गई है। ये बुराई बहुत चिंताजनक है। क्या हुआ है? पेरेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये एक प्रकार से फैशन स्टेटमेंट हो गया है। जब माँ बाप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो उनको ये कहने का मजा आता है, मेरा बेटा सुबह क्रिकेट कोचिंग में जाता है, फिर 10 बजे टेनिस में जाता है, फिर 11 बजे स्विमिंग के लिए जाता है, फिर 5 बजे आरंगेत्रम मणिपुरी डांस सीख रहा है। उनको बड़ा मज़ा आता है। क्यों? कभी कभी माँ बाप सोच लेते हैं कि जो ग्लैमर ड्रिवन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रिटी के रूप में आपको अच्छा लगता है, ऐसी गतिविधि मेरे बेटे बच्चों से कराऊंगा। तब क्या होता है कि जैसे माँ बाप बच्चों पर एग्जाम को लेकर के दबाव डालते हैं, अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी माँ बाप दबाव डालने लगे हैं। हो रहा है ना? कईयों को नहीं बोलेंगे मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो लेकिन ये सही है। माँ बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहाँ कहाँ है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीजें कौन सी हैं, माँ बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए।
लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं ना कहीं तो बांधना चाहिए, तब जाकर के आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हो और जीवन में एक संतोष भी प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होंगे 35-40 साल के बाद ये करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके मन में बोझ रहता है, यार स्कूल के जीवन में ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर उसके लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीजों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए, डेली 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस एक एक चीज 10-10 20-20 बार करते रहोगे, आप बिल्कुल बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए।